क्यों तुसी मतलब सानू साडा नक्क वढ दे हो? डिफेंस टैन नाल एक औरत और बंदा कतल हो गया। दोस्ती की एक हद होती है, जब वो इस हद से तजावुज कर जाए तो दुश्मनी में बदल जाती है। दही इलाकों में दोस्ती को घर की दहली से बाहर तक ही महदूद रखा जाता है, इसलिए कि जब ये घर में दाखिल होती है तो दोस्ती से बढ़कर रिश्तेदारी में तब्दील हो जाती है या ऐसे इल्जामात की जद में आ जाती है जो दुश्मनी को जन्म देते हैं। दुश्मनी भी ऐसी जिसके नतायज खून खराबे से कम नहीं होते। इस खून खराबे में सबसे ज़्यादा नुकसान उन बेबस ख्वातीन का ही होता है जिन पर झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाकर बेरहम मुजरिम अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं या उसे मर्दानगी का नाम देकर अपनी फतहमंदी का ऐलान करते नज़र आते हैं। नौजवान के माँ बाप अपने बेटे की शादी करना चाहते थे, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। माँ खुश थी कि उसके घर में खूबसूरत दुल्हन की डोली उतरेगी और बाप की ये ख्वाहिश पूरी होने वाली थी कि वो बहुत जल्द बाप के बजाय दादा कहलाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे ने जिन दोस्तों को अपना शाबाला बनाना था वो कुछ और ही सोच रहे थे। दोस्तों के दिल में क्या छुपा हुआ था, आइए हम आपको बताते हैं। खानीवाल सदर के गांव चक नंबर 6510R का रहायशी मोहम्मद सरवर जिम्मेदारी करता है। उसके दोनों बेटे राशिद और आसफ भी उसके साथ ही जमीनों पर काम करते हैं। मोहम्मद सरवर ने जमीनों पर काम के लिए रखे गए मुलाजमीन की निगरानी और दीगर मामला अपने बेटे आसिफ के सुपुर्द किए हुए थे, जिसकी वजह से आसफ मुलाजमीन के घरों में भी आता जाता था और उसकी अपने मुलाजिम खिजर हयात से दोस्ती भी हो गई थी और वह ज्यादातर उसके घर में ही रहता था। दिन रात उन्हें घर रहिंदा सी, असी किस टाइम रोटी लै जांदे सी उहदे ते उह क्यों कहिंदे सी कि जी रोटी तुसी क्यों लै के आए हो, ये साडा भी पुत्तर है, क्यों तुसी मतलब सानू साडा नक्क वढ़ दियो, असां मतलब किस टाइम लै जाणी किस टाइम ना लै जाणी, उन्होंने कहण ते इतना साडा उन्होंने नाल प्यार सी। बेटे के सर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिश हर माँ के दिल में होती है। आसफ की माँ ने भी उसकी शादी के लिए लड़की देखी और फिर रिश्ता तय हो गया और चंद दिन बाद उसकी बारात थी। घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे थे। एक रात खिजर हयात और उसका भाई जावेद आसिफ के घर आए। आसिफ ने उनकी आवभगत की और फिर माँ को बताकर उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर चला गया। रात में 8-9 बजे इतने आए ने, उन्होंने आ गए थे, बोतल शोतला मेरे बेटे को पीतिया ने, अपने दोस्त बने जी उन्होंने बैठा के ले गए। आसिफ की माँ को क्या मालूम था कि जिस सेहरे को चंद रोज बाद बेटे के सर पर सजाना था वो कभी किसी के सर पर ना सज सकेगा। आसिफ के जाने के कुछ देर बाद ही उसके घर इतला आई कि आसिफ को खिजर हयात और उसके भाई जावेद ने मौत के घाट उतार दिया है। घर वाले भागम भाग खिजर हयात के घर पहुंचे तो वहां एक कमरे में आसिफ की लाश पड़ी थी और पास ही खिजर हयात की बीवी भी खून में लथपथ मुर्दा पड़ी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि खिजर हयात और उसका भाई दोनों को कुल्हाड़ियां मारकर कत्ल करके भाग गए हैं। गुस्सा आसिफ की लाश से लिपट कर रोते रहे। मेरे बच्चे का बिल्कुल गुनाह कोई नहीं, मैं इस जहाने भी देनदार हूं, जे अगर उहदा कोई गुनाह होवे अगले जहाने भी मैं देनदार हाँ। इस तो वड्डा मेरे नाल जुल्म कोई नहीं हो सकता जनाब, मैनूं समझ नहीं आती बई बई मैं किहड़ा जुर्म किया। मैनूं वजीरे आला दे नाल वजीरे आजम दे नाल पुर जोर अपील आ, मैनूं इंसाफ दिता जावे, मैनूं होर कुछ नहीं चाहिए बस। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के बाप मोहम्मद सरवर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 15 दी इतला थे ना, डबल मर्डर दी इतला मिली थी कि 6510 नाल एक औरत और बंदा कतल हो गया। बर वक्त अपनी टीम दे हमरा मौके ते पहुंचे, दो एक औरत ते एक बंदा कतल होया सी, लाशां कब्जे च लैके पोस्टमार्टम वास्ते भिजवा दित्तियां गईयां। चौरी सरवर दे बयान ते FIR लाज कीती। आसिफ की शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे मगर जब उसकी लाश घर पहुंची तो कयामत बरपा हो गई।
पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो उर्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। माँ के बयान ने लोगों के दिल दहला दिए। उसे सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरे बच्चे का इंसाफ दे दो मेनू। मेरा बच्चा बेकसूरा, मेनू इंसाफ मिल जाए। डीपीओ खानीवाल ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सदर खानीवाल की सरबराही में खसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दी, जिन्होंने मोबाइल डाटा और दीगर इतलात पर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान ने बयान दिया है कि उन्होंने गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया। समेरा बीबी खिजर याद की बीवी थी और समेरा के आसिफ नामी लड़का जिसके वो मजारे थे उससे नजायज तल्लुकात कायम हो गए। जब समेरा के ससुराल वालों को इसका पता चला तो उन्होंने एक दफ़ा मना किया। आइंदा जब उस दिन इनको पता चला कि ये दोनों इकट्ठे हैं, इन्होंने खिजर याद, उसके भाइयों, उसके वालद, मामू, छह लोगों ने उन दोनों को समेरा और आसिफ को कुल्हाड़ियों के वार कर पैदर वार करके कत्ल कर दिया। मुकदमे को हकायक के मुताबिक इंशाल्लाह फाइनल किया जाएगा। क्या दोहरे कत्ल की ये वारदात किसी दुश्मनी का नतीजा थी या फिर उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, आइए मकतूल के वर्सा और मुलजिमान दोनों से जानते हैं। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका का कहना है कि आसफ इंतहाई नेक नौजवान था, कभी उसने किसी से छेड़छाड़ भी नहीं की। मुलजमान ने उन्हें किसी जाती रंजिश पर कत्ल किया है और बचने के लिए खिजर हयात ने अपनी बीवी को भी मार डाला। हुकूमत इस मामले पर तफ्तीश करे और असल हकायक सामने लाए। मेरा भतीजा बिल्कुल बेगुनाह है और मेरे भतीजा बिल्कुल बेगुनाह है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उसको ले जाकर उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया। दूसरी जानी मुलजम खिजर हयात का कहना है कि मकतूल आसिफ का उसके घर आना जाना था, उसकी बीवी खूबरू थी, मुलजम ने उसके साथ दोस्ती कर ली थी, कई बार दोनों को मना भी किया, उनके बाज ना आने पर मजबूरन इंतहाई कदम उठाया। असा जी गैरत तो बीवी नु आसिफ नु असा कतल कीता, गैरत तो कीता, नाक नहीं असा रोके रमणा ने बीबी नु समझाया, उस आसिफ नु समझाया कि तू अपनी हरकत वाटा पर अल्ले बैठ के खा बैठे है, इस काम तू मौजूद आवा, असा के नहीं मैं नहीं मौजूद आवना, एक काम खिजर याद मेरे सवाली है। मकतूल के उर्सार अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान से तफ्तीश करके कत्ल की असल वजह सामने लाई जाए और मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद समा खानीवाल। इस कत्ल की वजह चाहे कुछ भी हो मगर ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि दोस्ती और जान पहचान की एक हद होती है और उसे हद में ही रहना चाहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। कराची में ये दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाते थे, खुद कुछ जैकेट बनाने के माहिर हैं, डेटोनेटर्स और बम बनाने के माहिर हैं ये। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी के थाना पीर बधाई की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो खरीदारी के लिए बाजार जाने वाली खवातीन का पीछा करता और वीरान इलाके में कटर से उनके जेवरात काट लेता था। आइए देखते हैं ये गिरोह मजीद किन किन जराइम में मुलव्वस था। Thank you.
रावलपिंडी में एक तरफ खवातीन को छुरियां मारने वाले जुनूनी ने खवातीन के हवाले से खौफ फैला रखा था, तो दूसरी तरफ डाकुओं के इस गिरोह ने भी खवातीन के साथ लूट मार जारी कर रखी थी। इस गिरोह में एक खातून भी शामिल है जो बाजार में ऐसी खवातीन की रैकी करती थी जिसने ज्यादा जेवर पहना होता था। वीरान जगह पर पहुँच कर उसे लूट लिया जाता। ये 6 रुकनी गिरोह है जी। तरीका वारदात इनका ये है की ये मुख्तलिफ मार्केटों में लेडीज की रैकी करते हैं, जिस औरत ने ये जेवर पहना हुआ हो उसका रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद जूं ही वो मार्केट से निकलती हैं तो उसका पीछा करके जूं ही वो किसी वैरान जगह पर या उनके पहुंच वाली जगह पर पहुंचते हैं तो गन पॉइंट से उससे जेवर कटर से काट लेते हैं और फरार हो जाते हैं। ये ग्रोह 6 अरकान पर मुश्तमिल है जो कभी 2 और कभी 3 मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता था। ग्रोह का एक रुकन दौरान गिरफ्तारी फरार हो गया। पुलिस ने इस ग्रोह से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल और कटर बरामद किए हैं। ये 6 रुकनी ग्रोह है, कभी 2 मोटरसाइकिल होते हैं, कभी 3 मोटरसाइकिल होते हैं। जो हमने कल गिरफ्तार किए ये 5 आदमी, 1 लेडीज और 4 आदमी जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया। 5वां आदमी जो है ना वो उसकी मौके से फरार हो गया, लेकिन इंशाल्लाह वो भी पकड़ा जाएगा। तो इनसे 4 पिस्टल जो है मौके से बरामद हो गए हैं और लेडीज से जो कटर है जो उसके बैग से वो कटर बरामद हुआ है। सरदस्त मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हो गए हैं। मजीद जो आगे रिमांड हासिल करके थे मजीद जो है तफ्तीश करके थे रिकवरी की जाएगी। तकरीबन साहबान 13 माह से वारदातें जा रहे हैं। मुल्क में ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का सिलसिला भी जारी है और कराची में भी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सरगर्म हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हालिया अरसे के दौरान संगीन वारदातों में मुलविस कई दहशतगर्दों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि बहुत सारे हलाक भी हुए। ऐसी ही एक कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए जानते हैं। शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहर में बदअमनी फैलाने और मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने और एक बार फिर शहर में दहशतगर्दी की वारदातों की मंसूबा बंदी करने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई CTD पुलिस ने की। SSP जुनेद शेख के मुताबिक कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्दों को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। मुलजमान से एक खुदकश जैकेट है, 4 इनके साथ डेटोनेटर्स हैं और 4 हैंड ग्रेनेड हैं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजमान शहर में मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए सामा।